लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी की, जहां मुहर्रम की 6 तारीख को जुलूस निकाला गया और हाथी और ऊंट और काफ़ी संख्या में भीड़ दिखाई दी, जिसमें शिया जमात की तरफ से जुलूस निकाला जाता है और दाल मंडी से होते हुए नई सड़क से फातमान की जानिब जाकर समाप्त होता है, जिसमें भारी संख्या में देखने को भीड़ मिलती है और हर रोड से भीड़ इकट्ठा हो जाती है देखने के लिए, जो कि काफ़ी वर्ष से ये जुलूस मनाया जाता रहा है, जिसमें प्रशासन भी काफ़ी व्यस्तता रहती है और प्रशासन काफ़ी दुस्त और चुस्त दिखाई देता है। वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। निभाया और पूरा कपड़ा मंडी के लोग भी लगे थे, तमाम लोग भी जुलूस को पास कराने में सहयोग लगे थे। हमारे जो बुजुर्ग साथी राज भाई और फारूक भाई ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई रात रात में जा जा के, और अच्छी बात है कि क्योंकि यहाँ से जिला प्रशासन यही सहयोग चाहता है, सारे लोगों से यही सहयोग चाहता है कि एक अच्छी तरीके से सब फसल संपन्न हो, इसीलिए मीटिंग की जाती है। मीटिंग में पूछते हैं, थानेदार पूछते हैं, एसएम साहब पूछते हैं, सीओ साहब पूछते हैं कि भाई क्षेत्र की समस्या बताइए, ताकि हम उससे मुहर्रम से या किसी भी त्यौहार से पहले हम उसको ठीक करा सकें, उसके ऊपर सही तरीके करते हैं और लोगों को सही तरीके से बताना भी चाहिए। अपने इसीलिए मीटिंग बुलाया जाता है, मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए, क्योंकि मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो जिला प्रशासन के लिए मीटिंग बहुत खास होती है, कि आप लोगों को सहयोग करके बुलाया जाता है, आप लोगों के बारे में पूछा जाता है। और जुलूस तो आ गया, आज विषय चला गया, हम लोग बोल रहे हैं जुलूस आ रहा है। और जैसे कि डेन काशी के दिलीप भाई, जो यूपी डेन काशी के न्यूज के रिपोर्टर हैं, वो भी जुलूस को लेने बहुत बढ़ चढ़ के दिन भर धर्म के काम में दिन भर में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के बहुत लोगों की एक मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति सही बारिश नहीं होगा, सही साल को अभी उनको बताई दें कि मरियम हॉस्पिटल की गली में ये जुलूस है। भगवान बुद्ध न्याय साहब, न्याय ऋषि साहब भी हमारे देश में उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोगों का जितने भी लोग हैं नौजवान साथ में उन लोगों ने